नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। जनपद गाजीपुर, जहां पर 14 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल कम रोड ब्रिज और रेल लाइन की आधारशिला रखी थी और वह काम जोरों शोर पर चल रहा है। गंगा नदी पर बनने वाला यह पुल, जो अब तक 8 से 10 साल में बनता था, उसे 3 साल में पूरा कर लेने का दावा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वहीं अब गंगा ब्रिज के साथ ही इसके लिए रेल लाइन बिछाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन यह प्रक्रिया शुरू होते ही विवाद में घिर चुकी है। जी हां, इस रेल लाइन को बिछाने के लिए प्रथम फेज में 17 गांव को लिया गया है, जहां पर भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। लेकिन यहां के किसानों का आरोप है कि सरकार 2013 भूमि अधिग्रहण कानून का पालन नहीं कर रही है, बल्कि उसका उल्लंघन कर रही है, जिसको लेकर यह किसान पिछले कई दिनों से धरना और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज जब पूरा देश धनतेरस की खुशियां मना रहा है, तब यह लोग अपनी मांग को लेकर एक मशाल जुलूस निकाला। यह मशाल जुलूस धरना स्थल झिंगुरपट्टी गांव से होते हुए प्रभावित गांव और फिर शहर के कुछ इलाकों से होते हुए वापस धरना स्थल पर जाकर खत्म हुआ। इस दौरान जुलूस का नेतृत्व कर रहे अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। रही है ताड़ी घाट मऊ के लिए, उसमें किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है पहले फेज में 17 गांवों की, लेकिन जो मुआवजे का सवाल है, जो 2013 में कानून बना उसके हिसाब से कहीं भी कोई मुआवजा देने की बात नहीं है, बल्कि किसानों की जमीन को जबरिया लूट लेने का ही पूरा कोशिश प्रशासन कर रहा है। इसी के खिलाफ हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला है और ये तो मान लीजिए कि अभी शुरुआत है, ये उस मुकाम तक लड़ाई पहुंचेगी जब तक हमारा मुआवजा 13 के कानून से नहीं मिलेगा, और कोई भी जोर जबरदस्ती होगी उसको किसान बर्दाश्त नहीं करेगा, और चाहे जो भी मुकाबला करना हो जिस रूप में उसको किसान लड़ेंगे। नहीं, हम लोग तो जिला प्रशासन को भी हम लोग मिले हैं और लगातार कह रहे हैं कि आइए यहाँ किसानों के बीच में पंचायत में, और 2013 का कानून है, आप अवार्ड कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं आगे बढ़ाने चीजों को, और कहीं से भी एक भी लाइन उसकी 2013 के कानून की लागू नहीं हो रही है, और जेल रेल के लोग जाके जबरिया कर रहे हैं, हम लोग उनको खेद के वहाँ से भगा रहे हैं। काम जब तक नहीं होगा, जब तक ये मामला हल नहीं होगा मुआवजे का, और हम चाहते हैं कानून के हिसाब से चीजें हों, लेकिन वो 19 की जल्दी में लाठी और गोली के बल पे चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये बर्दाश्त किसान नहीं करेगा, क्योंकि इसके अलावा किसान के पास और कोई जीविका का साधन नहीं है, इसलिए किसान लड़ेगा, अंतिम दम तक लड़ेगा।